द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। रायबरेली जिला अस्पताल में उस समय मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब अस्पताल के ब्लड बैंक में रखी मशीनें काम करना बंद कर दिया। दो दिन से मरीज ब्लड बैंक में अपनी जांच के लिए परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जाँच करने वाली मशीनों में अधिकतर मशीनें खराब हो चुकी हैं। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि कुछ मशीनें काम कर रही हैं और जो खराब हैं उन्हें बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अस्पताल जहां पर करोड़ों रुपए का खर्च है, वहां पर आखिर आए दिन मशीनों के खराब होने की बात सामने क्यों आती है? कहीं यह बाहर प्राइवेट लैब संचालकों को लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं किया जाता है? क्योंकि जिला अस्पताल अपनी इन्हीं भ्रष्ट नीतियों के कारण चर्चा में बना रहता है। डार्क टाइम्स न्यूज़ के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है? नहीं, ये मशीनें जो है क्या बता रहे हैं कि जो है बंद है या हीट हो रही, क्या है मशीनों का? नहीं, एक मशीन जो है खराब हो गई है, बनाना है, इंजीनियर आएगा। मतलब ये सारी मशीनें अच्छा बंद क्यों हो गई हैं? अरे मशीन खराब हो गई है, कल इसका पंप खराब हो गया, कराएगा वो बनाएगा। तो कुल मिला सब मशीन बंद है? सब बंद नहीं है, चालू भी है, दीवार नहीं है, मशीन खराब है। द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।